दोस्तों, लोकसभा निर्वाचन 2024 में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं वज्रगृह में ईवीएम के साथ जमा किए जाने वाले विभिन्न लिफाफों की। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने के पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप वीडियो से संबंधित अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं। ना आप लाइक कर रहे हैं, न शेयर कर रहे हैं, न कॉमेंट कर रहे हैं, न इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो इससे हमको पता ही नहीं चल पाता है कि मेरे वीडियो के बारे में आप क्या समझते हैं या आप क्या सोच रहे हैं। फिर भी चलिए आगे हम बात करते हैं कि वज्रगृह में आप किन किन सामग्रियों को जमा करते हैं। दोस्तों, ये बड़ा सीरियस वीडियो है, इस पर आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो जो लिफाफा है उसको खूब अच्छा तरह से आप तैयार कर लीजिए। अगर लिफाफा आपका अच्छा से तैयार है तो बड़ी आसानी से आप जमा करके फ्री होके चले जाइएगा। अगर उसमें कोई गड़बड़ी होगी तो फिर उसमें वहाँ सुधार करना पड़ेगा, और वहाँ का जो हालात होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है जितना अच्छा आपके बूथ पर का हालात होता है। वहाँ ठंडा दिमाग से भी आप काम कर सकते हैं, आपके सहयोगी भी होते हैं, आप किसी से पूछ भी सकते हैं, लेकिन वज्रगृह का माहौल थोड़ा अलग किस्म का होता है। खैर, सबसे पहले हम बात करते हैं पहले पैकेट का, इसे कहते हैं प्रथम पैकेट, इसे ईवीएम पेपर कवर कहते हैं। यह एक खुला लिफाफा है जो सफ़ेद रंग का होता है। इसमें तीन छोटे छोटे लिफाफे होते हैं। पहला लिफाफा में मत दर्ज मतों का लेखा, जिसे 17C कहते हैं, इससे युक्त लिफाफा होता है। दूसरा है पीठासीन पदाधिकारी का प्रतिवेदन, इसमें भाग 1, 2 और 3 से युक्त मुहरबंद लिफाफा होता है। तीसरा है मॉक पोल से संबंधित वीवीपैट पर्ची युक्त काले रंग का मुहरबंद लिफाफा। दूसरा पैकेट है सूक्ष्म परीक्षण लिफाफा, यह भी सफेद रंग का होता है, इसके ऊपर समीक्षा कवर लिखा हुआ होगा। इसमें 4 पेपर होते हैं। पहला है पीठासीन पदाधिकारी की डायरी का मुहरबंद लिफाफा। दूसरा है मतदाता रजिस्टर, जिसे 17A कहते हैं। तीसरा है विजिट सिक्त। तीसरा है प्रारूप 14, ये अंधे और निःशक्त निर्वाचकों की सूची एवं साथी की घोषणा युक्त बिना मुहरबंद लिफाफा होता है। तीसरा पैकेट, इसे हम स्टैच्यूटरी पैकेट कहते हैं, ये मुहरबंद सफ़ेद रंग का लिफाफा होता है। इसमें निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति एवं वर्गीकृत सेवा मतदाता सूची युक्त मुहरबंद लिफाफा होता है। दूसरा पेपर है मतदाता पर्ची, यह P3 से प्राप्त करके आपको मुहरबंद करके लिफाफे में डालना है। तीसरा है उपयुक्त निविदत्त मतपत्र युक्त मुहरबंद लिफाफा। तीसरा है प्रयुक्त निविदत्त मतपत्र युक्त प्रपत्र 17B की प्रति युक्त मुहरबंद लिफाफा। और पांचवा है प्रारूप 14 में अभ्याक्षेपित मतों की सूची युक्त मुहरबंद लिफाफा। चौथा पैकेट, इसे असंवैधानिक पैकेट या नॉन स्टैच्यूटरी पैकेट कहते हैं, यह पीले रंग का होता है। इसमें होती है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति से भिन्न, जैसे आपको वोटर लिस्ट की 3 प्रति मिलती है, इसमें 1 को P1 चिन्हित करते हैं और 2 प्रति आपके पास बची रहती है, बस इसी वोटर लिस्ट को आपको पहले में डालना है। दूसरे पैकेट में जब आप पोलिंग एजेंट की नियुक्ति करते हैं तो प्रपत्र 10 भरते हैं, तो ये मुहरबंद लिफाफा होना चाहिए। तीसरा है EDC सर्टिफिकेट। चौथा है पीठासीन पदाधिकारी की घोषणा युक्त मुहरबंद लिफाफा। अगला है चैलेंज वोट से संबंधित प्राप्ति रसीद की नगद राशि। अगला है निर्वाचकों की आयु संबंधी घोषणा। अगला है अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त पेपर सील, पिंक पेपर सील एवं स्पेशल टैग। नेक्स्ट है अप्रयुक्त मतदाता पर्ची का लिफाफा। अगला है फॉर्म 49A। अगला है ASD मतदाताओं की सूची में नामित निर्वाचकों की घोषणा पत्र। अगर आपने पुलिस पदाधिकारी को कोई कंप्लेन किया है तो उससे संबंधित शिकायती लिफाफा। अगला पांचवा पैकेट है पुस्तक निर्देश एवं अन्य कागजात, यह कत्थई रंग का होता है। इसमें होता है PO की हस्तपुस्तिका, EVM VVPAT का मैनुअल बुक,
अमिट स्याही, स्टाम्प पैड, पोस्टर, पीओ की विवरणिका, वीवीपैट समस्या निवारण पुस्तिका। छठा पैकेट अन्य सामग्री युक्त लिफाफा या नीले रंग का होता है। इसमें प्रारूप 17A में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची, उम्मीदवारों का हस्ताक्षर का नमूना, अन्य उपयुक्त प्रारूप, मेटल सील, एरो क्रॉस, रबर का सील, अमिट स्याही रखने का कप और शेष स्टेशनरी सामग्री इसमें डाल दी जाती है। दोस्तों तो ये 6 लिफाफा है जिसे आपको अच्छी तरह से तैयार करके वज्रगृह में ईवीएम मशीन के साथ जमा कर देना है। अगर ये अच्छी तरह से कंप्लीट है तो आपको अपनी सामग्री को जमा करने में कोई दिक्कत नहीं आती है और बहुत सुविधाजनक ढंग से ये जमा हो जाता है। दोस्तों हमारा अगला वीडियो है माइक्रो ऑब्जर्वर के काम के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।